अभी अभी जो मामला हुआ प्रतीक्षा का उसके बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहूंगा, और क्या ऐसा रास्ता क्यों लेना पड़ता है अगर अगर एक्ट्रेस की बात करें या फिर ग्लैमर वर्ल्ड की बात करें तो हमेशा सवाल उठते रहे, जैसे पहले जिया खान ने किया और अभी हुआ है प्रतीक्षा के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत दुख है कि इतनी यंग यंग लड़की, आई मीन शी वॉज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड, जिया खान 25 ईयर्स की थी, इतनी यंग लड़कियाँ जिनकी लाइफ में इतना कुछ बाकी है, अभी लाइफ स्टार्ट भी नहीं हुई है एंड ऐसा स्टेप ले रही है. मैं मतलब आई जस्ट प्रे कि वेर एवर प्रत्युषा इज, आई मीन शी शुड रेस्ट इन पीस, बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग. आई मीन आपको मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि अगर कोई चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है प्लीज़ वॉक आउट. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप वो रिलेशनशिप में रहें या वो काम कर रहे हैं, कुछ अगर वो आपका काम भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ आई मीन जस्ट वॉक आउट, स्टे स्ट्रॉन्ग, अच्छी कंपनी में रहिए, अच्छे दोस्त बनाइए जो आपको अच्छी सलाह दें, जो आपको गलत सलाह ना दें कि आप यू नो कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, अपने काम की तरफ ऑनेस्ट रहें, जो भी मतलब जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, एंड जो चीज़ आपको खुशी नहीं देती है प्लीज़ वॉकआउट, एंड ऐसी गलती प्लीज़ ना करें. आपकी फैमिली आपके पीछे, आपके रिलेटिव्स हैं, सब कुछ है, जो लोग आपके आप जाते हो ऊपर तो वो भी आपके साथ चले जाते हैं, उनके फीलिंग्स उनकी, आई मीन प्लीज़ ये डोंट डू दिस. यू गर्ल्स आर रियली वेरी वेरी यंग एंड बहुत कुछ है लाइफ में. एक लड़का से शादी ना हो जाने से या एक सीरियल ना मिल जाने से आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है. सो प्लीज़ 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 अ रिक्वेस्ट, डू नॉट डू दिस. योर फैमिली इज़ देयर टू सपोर्ट यू ऑलवेज. जो प्रॉब्लम्स है फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए, बट ये मत करिए यार.